हम देखिए कॉलेज में हैं जेपीसी सिवान में, जो कि यहाँ आज 25 सितंबर है और यहाँ पे फार्मेसी डे मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते होंगे हमारे पीछे कितना डेकोरेट किया गया है और यहाँ पे कुछ कॉमेडी होगा डॉक्टर और फार्मेसिस्ट के द्वारा। तो जो भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ ये डॉक्टर जी हैं जो कि एक्ट करने वाले हैं और हम फार्मेसिस्ट, और हमारे साथ यहाँ सकते हैं रिजु भैया भी हैं, ये भी फार्मेसिस्ट लैब के रूप में एक्ट करेंगे, और कुछ और भी हैं जो कि साथ में एक्ट करने वाले हैं हमारे साथ। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारे एंकरिंग करेंगे कुलदीप भैया जी हैं, फार्मेसिस्ट, इस कॉलेज के जेपीसी सिवान के एक स्टूडेंट हैं, और ये हमारे एंकरिंग हैं। जो एक्ट होगा उनके द्वारा, इनके द्वारा एंकरिंग किया जाएगा उस एक्ट का। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हॉस्पिटल का रूप यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारे साथ हैं, ये इनका नाम रोहित है और इस कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं। साथ ही ये रोगी यानी कि पेशेंट का रोल निभाने जा रहे हैं। भैया से मिलाने वाले हैं, इनका नाम सागर भैया है, जो कि हमारे अतिथि ये दर्शक बनेंगे, जो एक्ट हम सब करेंगे उनका साथ। देखिए हम मौजूद है संतोष जी, इस कॉलेज के फार्मेसी स्टूडेंट दोस्तों, ये भी देखिए एकदम रेडी हो चुके हैं और हमारे साथ यहाँ क्लासरूम में मौजूद है। थोड़ी देर में एक्ट शुरू होने वाला है और आपको वीडियो में सारा चीज़ एक तरफा से दिखाया जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। द्वारा यहाँ पे केक काटा जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फार्मेसी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेना हो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जरूर जानकारी। खुशी की बात है, तो सर के द्वारा ये मेडल से लाया गया है, जो एक्ट होगा फर्स्ट प्राइज और सब दिया जाएगा सर के। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना है, देखिए हमारे साथ अनुज भैया बने हैं और यहाँ पे अनुज भैया एक कलाकारी कर रहे हैं जो कि एक पेंटिंग है, तो वो पेंटिंग को हम दिखाते हैं, चलिए। विलियम क्रक्टर जूनियर फादर ऑफ फार्मेसी का है, तो ये आपको दिखाते हैं, चलिए। के लिए एक पावन त्यौहार है जिसे हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सभी विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में देख चुके हैं कि एक फार्मासिस्ट का रोल हमारे जीवन में क्या होता है। जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम केवल फार्मासिस्ट और डॉक्टर ही हमारे साथ जुड़े थे और जितने भी प्रॉब्लम हुआ उस सभी का समाधान किए। आज एक फार्मासिस्ट का सामाजिक दायित्व के बारे में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उससे पहले हमारी फार्मेसी टीम के कुछ होनहार छात्र अपना, तो सबसे पहले हम
स्वागत करते हैं हमारे क्लास के सबसे होनहार छात्र जो अपना बहुत ही अच्छा सुनहरा सा स्पीच तैयार किए हुए हैं और आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जिनका नाम है सत्यम कुमार। Respected principal sir and teachers and all my dear friends, good afternoon to all. Myself Satyam Kumar from Diploma in Pharmacy, standing in front of you to deliver a speech on World Pharmacist Day. As we all know that we are gathered here to celebrate our annual program World Pharmacist Day. World Pharmacist Day is observed on 25th September every year to pay tributes to the pharmacist for the role they play in improving global health. The purpose of the annual Pharmacist Day is to encourage activities that promote and advocate for the role of the pharmacist in improving health in every corner of the world. This year's theme is Pharmacy United in Action for a Healthier and to further strengthen solidarity among the profession. Pharmacists say that when patients have higher trust in healthcare professionals, they respond better to treatment and show more medical. The Pharmaceutical Medicine Council in Istanbul, 25th September. ऐसे छात्र हैं जो देखने में नहीं लगते हैं कि हाँ इतना अनहार है ऐसे बोल सकते हैं, बट वो अंदर से बहुत ही टैलेंटेड है। वो कहता है नहीं कि देखने में कुछ और करने में कुछ और, वो लगभग हमारे जो क्लास है उसमें सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका, जिनका नाम है कृष्णा कुमार। A very good afternoon to everybody. This is Krishna Kumar, a student of Diploma in Pharmacy, Government Pharmacy College, Siwan. Today, I am here to represent a fascinating the lines which is the World Pharmacist Day. I am very thankful to the all teachers and organizers who are sitting here and gave me a wonderful opportunity to Pharmacist Day. Pharmacist Day is celebrated not only a particular country, it is celebrated the world in 25 September 1912 by the International Pharmaceutical Federation. Celebrated in 2009 by the help of FIP, which is the International Pharmaceutical Federation. Friends, as you know that pharmacist acts as a player and it is a mediator between the doctor and physician. It is our heart of our country. If pharmacist is just like our parents, if anyone, a mother and father, just like a patient and physician, if anyone is no more than all the country. Here the resources is limited, but in our mind we have a dedication and faithful. Dedication makes a man perfect, as we know. So we have limited resources, but our patient prepare and dispense various medication. Pharmacy is not only the place for selling medication, it is the people and life of the people. It increases the lifespan of the people also. Pharmacy are the medical sector. As we know, there are many types of pharmacists, as community pharmacist, clinical pharmacist, hospital pharmacist, and drug director. Pharmacist plays an important role and vital role in the medical area. Pharmacist ensures the supply of medicine which is within the law or not. Pharmacist, firstly, when the doctor prescribes the medicine, then pharmacist see the prescription, and after seeing the prescription, he provides the medicine to the patient, and he shows that medicine is maybe allergic or not allergic. If the medicine is completely fine, then he allows the patient for prescription. He answering a pharmacist answering the everything about
which is the problem created by the patient. He can ask any questions related to pharmacist with the pharmacist. बीमारी तो किस धर्म का है, हमसे कभी ना भेद हुआ, सरहद पे जो खाकी वर्दी थी अब उसका रंग सफ़ेद हुआ। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, हमने दवा से काम लिया। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर हमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। डॉक्टर फार्मासिस्ट के बिना ऐसा है जैसे केमिस्ट्री के बिना रिएक्शन, प्रोग्नोसिस बिना ड्रग, बायोकेमिस्ट्री बिना पैथोलॉजी, एनाटॉमी बिना सेल और स्टैटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन। Happy Pharmacist Day to those pharmacist various who go to daily in this thought time and each and every pharma student who will become soon pharmacist. हर एक बीमारी का निकालेंगे समाधान, हर एक बीमारी का निकालेंगे तो समाधान, दवाइयाँ ऐसी बनाएंगे जो काम करेगी रामबाण। लोगों को बताना है, लोगों को दवाइयों के बारे में हर एक बात बताना है, रोग मुक्त हेल्थ केयर अपना वर्ल्ड बनाना है। सबसे अलग सबसे खास ऐसी ब्रांच है फार्मेसी। स्टेटिक्स में और इससे ज़रा सीरियस होकर पढ़ना मेरे दोस्त, और इससे ज़रा सीरियस होकर पढ़ना मेरे दोस्त, वरना पागल कर देगी ऐसी ब्रांच है फार्मेसी। सूरज निकलने लगते हैं, धूप को देखकर दिल का मिजाज बदलने लगते हैं। आप कैसे फार्मासिस्ट है जो खामोश बैठे हैं, अरे फार्मासिस्ट का नाम सुनकर तो पत्थर भी खिलने लगते हैं। जज्बात से खाई न समझना मुझको, मजलूम कवारी न समझना मुझको। वक्त पर बन जाते हैं तलवार हम, फूलों की डाली न समझना मुझको।